नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F23 5G versus Infinix Zero 20 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F23 5G में 6.52 इंच जबकि Zero 20 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy F23 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F23 5G में 3.03 इंच जबकि Zero 20 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F23 5G में 0.33 इंच जबकि Zero 20 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F23 5G में 198 ग्राम जबकि Zero 20 में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F23 5G में TFT जबकि Zero 20 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy F23 5G में 6.6 इंचेस जबकि Zero 20 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy F23 5G में 1080x2408 और Zero 20 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F23 5G में 82.53% जबकि Zero 20 में 85.98% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy F23 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Zero 20 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Galaxy F23 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Zero 20 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में अननोन कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy F23 5G में Adreno 619 जबकि Zero 20 में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F23 5G में Qualcomm Snapdragon 750G और Zero 20 में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy F23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की रैम मिलती है जबकि Zero 20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy F23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Zero 20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy F23 5G में अप टू 1TB जबकि Zero 20 में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy F23 5G में 5000 mAh जबकि Zero 20 में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी F23 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें 020 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें INFINIX020 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 020 आगे है, मेन कैमरा में 020 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी F23 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स 08 आए है, दूसरा वीवो Y72 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी 9 प्रो प्लस 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।